इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको न्यूमरल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करा दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन में अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन ए, एक्स सी एक्स वी, ओके, एक्स एल, ठीक है। उसके बाद एक्स, उसके बाद वी और सी, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम किस नंबर को लिखते हैं, स्मॉलर नंबर को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इसको लिख लेते हैं, पहले आप हिंदू अरबिक नोटेशन में इसको लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है। सी 100, और ये इसके राइट साइड लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 90, ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 100, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सी सी का मतलब होगा 100। तो सबसे पहले स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है इसमें, 5, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 10, यहाँ पे 10, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 15, 15। उसके बाद 40, ठीक है। उसके बाद 90, 90 का क्या होगा सी एक्स, ठीक है। उसके बाद 100, यानी कि सी। इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ओके। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से कर लोगे। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 8, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन है आई एक्स एक्स आई एक्स, ठीक है। उसके बाद एक्स एल, उसके बाद एक्स सी एल एक्स एक्स एक्स, ठीक है। इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले इसको हिंदू अरबिक नोटेशन में चेंज कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा, सॉरी 10, हाँ 19 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा ये एल 50, और ये 40, और ये 3 43, ठीक है। ये सी यानी कि 100, 100 ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ गया तो 90, 90 और ये 2 कितना हो जाएगा 92, ये कितना हो जाएगा एल 50, 50 60 70 80 और ये 2 82, 82, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर नंबर को लिखते हैं। तो ग्रेटर नंबर क्या है 92, तो 92 एक्स सी, ठीक है। उसके बाद 82, 82, उसके बाद 43, ठीक है। उसके बाद 19, ठीक है। उसके बाद 9, ओके। इस तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। उसके बाद आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर बी और सी खुद करोगे होमवर्क में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर में 9 में दिया है विच न्यूमरल इज करेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन नंबर 9 में पेयर्स दिए गए, ठीक है। नंबर 9 ए, ठीक है। पेयर दिया गया है एल और ये एक्स। इन पेयर में से बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है, एक मैंने रूल आपको बताया, एक बताया है वी एल डी आर
not repeated, not repeated, okay, VLDR not repeated, repeated, तो यहाँ पे L क्या हो गया, repeated हो गया, तो ये wrong हो जाएगा, और ये, ठीक है, ये right है, क्यों, ठीक है ना, इसके बाद question number B, question number B में, भी इसमें भी 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 क्या है रिपीटेड नहीं होता है तो यहाँ पे भी को क्या कर दिया है रिपीटेड कर दिया है तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ये राइट हो जाएगा ठीक है उसके बाद सी सी आप लोग खुद करोगे सी में भी को रिपीट किया है ठीक है और डी एक बार डी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर डी एक्स उसके बाद ये फोर एक रूल मैंने आप लोग को बताया था कि नो रोमन न्यूमरल्स आर रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम्स नो रोमन न्यूमरल आर रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम ठीक है कोई भी रोमन न्यूमरल्स थ्री टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या कर दिया है फोर टाइम कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा ये सही है ठीक है इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर नाइन को कंप्लीट करोगे ठीक है आप लोग सेवन एट नाइन में जो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उसको आप लोग कंप्लीट करोगे ठीक है इसके बाद आपको लार्ज नंबर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है ओके थैंक यू